हर हर महादेव आप सभी को। आज हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड के आखिरी अध्याय यानी कि 20वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाकर बसे। तो चलिए श्री महादेव का नाम लेकर इस शुभ कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहियकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान आगम, निगम और सिद्धि वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भर कर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नमोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया, फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे, श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आठों सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्वासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान पर प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के भेंटे लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षे, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वर्धिनी लीला का भी
वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। तो यहाँ पर 20वें अध्याय की समाप्ति होती है। कल फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी को हर हर महादेव।